हेलो दोस्तों, टेक्निकल साना यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिसने रेडमी वाई टू मॉडल का फ़ोन यूज़ करते हो तो उस फोन के अंदर जो डुअल एप्स का जो सेटिंग्स है उसको कैसे इनेबल करना है एंड किस तरह आपका डुअल एप्स का काम करता है एंड उसका जो भी डुअल ऐप एंड यहाँ पर जो ऐप क्लोन होता है इसको कैसे इस्तेमाल करें, सब कुछ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो से लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए और वीडियो को कहाँ पर भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका फोन के अंदर सेटिंग्स है उस सेटिंग्स को सिंपली ओपन कर लीजिए एंड सेटिंग्स को सिंपली ओपन करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आपके यहाँ पर देखो ऐप्स बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो डुअल ऐप्स बोल के एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। सिंपली उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड यहाँ पर आपका नीचे की तरफ यहाँ पर देखो मतलब जितने सारे ऐप है आपका फोन के अंदर इसको बहुत आसानी से उसके इनेबल करके ठीक है डुअल ऐप्स की तरह यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक यहाँ पर एक व्हाट्सएप है तो उसको आपका दूसरा और एक व्हाट्सएप के अंदर ठीक है उसी व्हाट्सएप को डुअल ऐप्स यूज़ करके डुअल ऐप्स का सेटिंग्स को इनेबल करके दूसरा कोई नंबर रजिस्टर करके यूज़ करना चाहते हैं ठीक है तो वो कर सकते हो। जिस तरह आपका डुअल स्पेस का जो काम करता है ठीक है तो इसी तरह मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक व्हाट्सएप है ठीक है तो सिंपली यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर एक व्हाट्सएप है तो और एक मैं व्हाट्सएप यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ तो इसलिए आपको यहाँ पर आपका डुप्लीकेट और एक व्हाट्सएप का जो फीचर है उसको इनेबल करना पड़ेगा नहीं तो आपका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस व्हाट्सएप के अंदर आपका एक नंबर है और एक नंबर आपका दूसरा कोई व्हाट्सएप के अंदर मतलब दूसरा उस सेम व्हाट्सएप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पर आपका डुअल ऐप्स का जो सेटिंग्स है उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। सिंपली वापस जाता हूँ मैं सेटिंग्स पर जाके मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ मेरा जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप के अंदर जाके इसको सिंपली यहाँ पर देखो डुअल ऐप्स इसको इनेबल कर देनी है। सिंपली टर्न ऑन ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ देखो क्रिएटिंग डुअल ऐप। अब मेरा जो मेन व्हाट्सएप ऐप है तो वहाँ से आपका डुप्लीकेट और एक ऐप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पर देखो व्हाट्सएप दूसरा व्हाट्सएप मेरा यहाँ पर बन चुका है ठीक है तो उसी सेम व्हाट्सएप है तो वहाँ पर और एक डुप्लीकेट व्हाट्सएप बन चुका है तो यहाँ पर आपका कोई भी दूसरा नंबर यहाँ पर आपका रजिस्टर करके बहुत आसानी से उस व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपका चाहे व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो या फिर आपका इंस्टाग्राम हो चाहे आपका कोई भी ऐप हो इसको डुअल ऐप्स का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह इस सीरीज को इनेबल करना है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी सवाल सुझाव तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकते हो और कोई भी दिक्कत हो जरूर मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो कोई भी सवाल है तो जरूर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जन में टेक्निकल सानू वन आप चाहे तो डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सब चला अच्छी लगी इतना मिलते नेक्स्ट वीडियो में और एक टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।